वेलकम टू द चैनल बेड करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा क्वेश्चन पेपर तो जो 2019 का पेपर है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लिए पेपर थर्ड है ये। और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल मार्क्स होंगे 80 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसके बाद 4 यूनिट होती हैं। 4 यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग के, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें 8 क्वेश्चन होंगे और ये 32 मार्क्स के होंगे टोटल, और 1 क्वेश्चन जो है इसमें 4 मार्क्स का होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताना है, CAI के बारे में बताना है। वहीं पे तीसरा क्वेश्चन आपको मिलता है डिफरेंस बिटवीन कंडीशनिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है ये बताइए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, तो ऐसे एड्स जो टीचिंग में आपकी हेल्प करते हैं उनको टीचिंग एड्स कहा जाता है, जिसमें एक आता है ऑडियो विजुअल एड्स, तो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको बताना है। फिर आपको बैरियर्स बताने हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो आप जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें कुछ बाधक तत्व आ जाते हैं जिनको बैरियर्स कहा जाता है, तो कौन कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए उनके बारे में बताइए। स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन बताना है आपको, तो इंट्रोडक्शन की स्किल किस तरह से यूज़ की जाती है टीचिंग में, कब स्टार्ट की जाती है इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में आपको बताना है। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग से जो क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में बताना है। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन मिल जाता है इसमें वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, तो वर्चुअल क्लासरूम जो ऑनलाइन कंडक्शन किया जाता है एक टाइम पे, इसमें कई सारे बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये ऑनलाइन क्लास होती है वर्चुअल क्लासरूम, तो वर्चुअल क्लासरूम के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो यूनिट फर्स्ट से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट फॉर्म्स आपको बतानी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ये बताइए, और किसी एक फॉर्म को आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्कशन करना है उसका। उसके बाद आपको इसमें चॉइस में क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें 3 क्वेश्चन हैं, आपको किसी 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, या तो आप नेचर ऑफ ई लर्निंग बताइए, तो ई लर्निंग का आपसे नेचर पूछा गया है, ब्लेंडेड लर्निंग बताइए या फिर सपोर्ट लर्निंग बताइए, तो 3 क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं इसमें से आप किसी 2 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 2 क्वेश्चन पे आप शॉर्ट नोट करेंगे। फिर यूनिट सेकंड की बात करेंगे तो यूनिट सेकंड में आपका पहला क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है टीचिंग का और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि डिफरेंट फेजेस बताने हैं आपको टीचिंग के, और टीचिंग के कौन कौन से डोमेन्स हैं वो आपको बताने हैं। यूनिट थर्ड में आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग से, तो माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और इसके पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बताना है कि माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस कैसे पूरा होता है, इसके 36 मिनट के साइकिल को आपको बताना है पूरा। फिर इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है कि प्लांटर्स इंटरैक्शन एनालिसिस को आप सुटेबल एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट करिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताइए। यूनिट फोर्थ में क्वेश्चन पहला आ जाता है कि आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है और इसके साथ साथ ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स के बारे में भी बताना है, तो 3 टाइप्स होते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के, आपको 3 इसमें लिखने हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड 3rd मॉडल है आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। इसी में आपको 2nd क्वेश्चन मिल जाता है चॉइस में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताना है और किसी एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टाइप के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था 2019 का पेपर 3rd के लिए टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।